नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के अंदर। आज आप लोगों की एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं आपके लिए इंडेक्स नंबर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है लेस पेयर्स मेथड, पाश्चेज मेथड एंड फिशर्स मेथड। वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड दोस्तों यही है, और ज़्यादातर स्कूल के एग्ज़ाम में 6 मार्क के क्वेश्चन में आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा लेस पेयर्स मेथड, पाश्चेज मेथड एंड फिशर मेथड। क्या होते हैं, क्यों करते हैं, वो जानते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास लेस पेयर्स मेथड का दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है P01=σP1Q0/σP0Q0×100। पाश्चेज मेथड का फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास σP1Q1/σP0Q1×100। और फिशर्स मेथड का फॉर्मूला दोस्तों P01=√σP1Q0/σP0Q0×σP1Q1/σP0Q1×100। रूट से बाहर है, आप ध्यान रख के चलेंगे। मेथड काफ़ी हो गए, फॉर्मूले काफ़ी लेंथी हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपके पास अब तक प्राइस वाला एलिमेंट तो आप पहले भी देख चुके हैं, प्राइस आपको क्वेश्चन में पहले भी गिवन होता था, पी पी तो बहुत बार गिवन था। पहली बार आपके सामने यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है क्यू, क्यू मीन्स क्वांटिटी। अब आप बेस ईयर को पहचानिए कि बेस ईयर कौन सा है। तो आप कहेंगे सर बेस ईयर यहाँ पर रहेगा 2008 और करेंट ईयर कौन सा है 2010। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इन्हें 0 और 1 का सिंबल दूंगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेस ईयर के प्राइस को हम लोग P0 कहते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी को हम लोग Q0 कहते हैं, करंट ईयर के प्राइस को हम लोग P1 कहते हैं, और करंट ईयर की क्वांटिटी को हम लोग Q1 कहते हैं। हमें यहाँ पर दोस्तों ये 1, 2, 3, 4 चार चीज़ें निकालनी है। ये चार चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह होगा। टोटल आपको चार चीज़ें निकालनी है जो प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से आएगी, आप ध्यान रख के चलेंगे। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। प्राइस क्वांटिटी। चार प्राइस, चार क्वांटिटी, मतलब सबसे पहले बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, और करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी। ये चार आपके बेसिक पैरामीटर रहेंगे इस मेथड के लिए, आप ध्यान रख के चलेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं डेट इज़ P0Q0, P0Q1, P1Q0 और P1Q1। चार बेसिक पैरामीटर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनाने पड़ेंगे। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी निकालते हैं। सबसे पहले P0Q0 निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2×1 2, डेट इज़ आप लोग अच्छे से जानते हैं 2×1 2, 3×3 9, 4×4 16, 5×2 10। टोटल कर लेते हैं दोस्तों 16 और 9, 25 और 10, 35 और 2 37। हमारे पास P0Q0 का टोटल आ चुका है 37, आप ध्यान रख के चलेंगे। अब निकालता हूँ P0Q1 का टोटल। P0 ये रहा दोस्तों, Q1 ये रहा, ध्यान रख के चलेंगे। 2×2 डेट इज़ 4, 3×4 डेट इज़ 12, 4×5 20, 5×3 15। टोटल कर लेते हैं इसका जल्दी जल्दी। ये आपका दोस्तों टोटल आ गया हमारे पास 16 और 15 31 और 20 51। इसका टोटल है। अब निकालता हूँ P1 Q0 ये रहा, Q0 ये रहा, 3×1 3, 5×3 15, 6×4 24, 8×2 16। टोटल कर लेते हैं 16 और 24 होता है 40, 40 और 15 55, और 3 58। बिल्कुल एक्यूरेट टोटल आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास। लास्ट हमारा P1Q1 निकालना है। P1Q1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3×2 6, 5×4 20, 6×5 30 एंड 8×3 24। टोटल कर लेते हैं इसका जल्दी जल्दी फटाफट। टोटल कितना आ रहा है, या अगर दोस्तों 6, 20, 30, 24 और 6 30 होते हैं, 30, 30, 60 और 20, दोस्तों टोटल आ गया हमारे पास 8, 0, 80। चारों चीज़ों के टोटल आ चुके हैं। अब बारी है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की और हमारा आंसर निकालने की। तो चलिए दोस्तों फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। सबसे पहला मेथड दोस्तों हमारे पास लेस पेयर्स मेथड। लेस पेयर्स मेथड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा ऊपर, सॉल्यूशन में यहाँ करता हूँ। P01=P1Q0 का टोटल दोस्तों, P1Q0 का टोटल आपके सामने कितना है 58 अपॉन P0Q0 का टोटल। P0Q0 का टोटल दोस्तों 37 × 100,
58 को 37 से डिवाइड करिए और इनटू 100 कर दीजिए दोस्तों। डिवाइड करने पर आपका क्या आ रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइड करने पर आपका आएगा P01 इक्वल्स टू 1.567, इनटू 100 करने पर आपको मिलेगा दोस्तों 156.7। यह है दोस्तों हमारा आंसर, लेस स्पेस मेथड का आंसर है दोस्तों 156.7, ध्यान रख के चलेंगे। अब आते हैं पाश्चेज मेथड पर। पाश्चेज मेथड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है दोस्तों, डेट इज सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इनटू 100। आपके सामने यहाँ पे सब कुछ आप निकाल लीजिए। P1Q1 का वो दोस्तों टोटल है 80 हमारा, मैं रख देता हूँ 80 अपॉन P0Q1 का टोटल दोस्तों, P0Q1 का टोटल हमारे पास यहाँ पे लिखा है 51 इनटू 100। 80 अपॉन 51 इनटू 100 दोस्तों, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 80 को 51 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करना बहुत अच्छे से जानते हैं। डिवाइड करें कम से कम दोस्तों आप 3 to 4 डेसिमल प्लेस तक लेके जाएंगे, क्योंकि बाद में हमें इनटू 100 करना है तो आपके 2-3 डेसिमल प्लेस तो वैसे ही कम हो जाएंगे। तो एटलीस्ट कम से कम 2 to 3 डेसिमल प्लेस आपको लेके जाने पड़ेंगे, उसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। मिनिमम 2 to 3 डेसिमल प्लेस आपको लेके जाना पड़ेगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? प्रॉमिस करिए मुझे कम से कम 2 to 3 डेसिमल प्लेस तक आप लेकर जाएंगे। 80 अपॉन 51 की वैल्यू दोस्तों आप करेंगे सॉल्व तो ये बैठेगी 1.568 इनटू 100 करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर मेरा रहेगा, पता है सबको, मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 156.8। ये मेरा दोस्तों आंसर है किसका, पाश्चेज मेथड का। लेस स्पेस मेथड का आंसर आया 156.7, पाश्चेज मेथड का आंसर आया दोस्तों 156.8। क्या फिशर मेथड का आंसर 156.9 तो नहीं, कहीं यहाँ पे इनकी सोची समझी साजिश तो नहीं चल रही? एक ने कहा 156.7, दूसरे ने कहा 156.8, और तीसरा कहीं ये तो नहीं कह रहा कि 156.9, चेक करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए चेक करते हैं। तीसरा मेथड हमारा आ गया फिशर्स मेथड, थोड़ा सा लेंदी है, रूट भी निकालना पड़ेगा भाई, बहुत बड़ा लोचा है रूट निकालना, लेकिन फिर भी करते हैं हम लोग। चलिए रखते हैं वैल्यू यहाँ पे, कर रहे हैं फिशर मेथड आपके लिए। P1Q0 की वैल्यू ऊपर से लिख लेते हैं दोस्तों, 58 अपॉन 37 P0Q0 की वैल्यू। P1Q1 की वैल्यू दोस्तों 80 अपॉन P0Q1 की वैल्यू, डेट इज 51 इंटू 100, रूट से बाहर इंटू 100। क्या 58, 37, 80, 15 आपस में कोई कट रहा है तो प्लीज़ काट दीजिए। अगर 51, 58 किसी एक टेबल में आते हैं तो प्लीज़ कट कर दीजिए। 37 और 80 अगर किसी टेबल में आते हैं कट कर दीजिए, लेकिन ये किसी टेबल में नहीं आते। क्या करें, मेहनत बढ़ गई दोस्तों थोड़ी सी आपकी, क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 58 अपॉन 37 आपने करा था, बहुत अच्छे से करा था, और करने पर आपका आया था 1.567, तो मैं रूट में लिख दूंगा 1.567। और जब आपने 80 अपॉन 51 करा था तो दोस्तों आया था आपका 1.568, ठीक है? और बाहर में इनटू 100 है दोस्तों, आपका रूट के बाहर इनटू 100 है। अब आपको रूट के अंदर दो नंबर सेम से नज़र आ रहे हैं, 1.56, एक 7 है एक 8 है, मतलब डेफिनेटली 1.56 तो रूट के बाहर आएगा। अब 7 या 8 में से क्या आएगा बाहर, वो हमें देखना है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर रूट में दो नंबर ऑलमोस्ट सेम हो तो नंबर बाहर आ जाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो 1.56 तो बिल्कुल सेम था, ये 1.56 तो आएगा ही आएगा बाहर, डेफिनेटली आएगा। क्या रह गया, 7 और 8 में से क्या लूँ, ततो 7 लूँ या 8 लूँ, 7 या 8, 7 या 8, तो ऑब्वियसली बात है मैं कहता बीच में ले लेते हैं। अगर ये 70 है ये 80 है तो बीच में नंबर क्या बैठेगा, 75। इसका मतलब 1.5675 हमारा बाहर आएगा दोस्तों रूट से, और मुझे इनटू 100 करना है तो मेरा आंसर रहेगा दोस्तों 156.75। तो ये दोस्तों मेरा एक्यूरेट आंसर है 156.75, इसका एक्यूरेट आंसर रहेगा दोस्तों, आप ध्यान रख के चलेंगे। फिशर्स मेथड का आंसर रहा हमारा दोस्तों 156.75। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए। अगर आपको रूट निकालने में दिक्कत आती है, जो कि आ सकती है, बड़ी बात नहीं है, तो आपके लिए छोटा सा हिंट मैं आपको दे सकता हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं रूट। दोस्तों आपका जो फिशर मेथड का आंसर होता है वो हमेशा लेस स्पेस मेथड के आंसर और पाश्चेज मेथड का रूट होता है। और अगर आप रूट नहीं निकाल पाते हैं तो आप इन दो की एवरेज वैल्यू को भी लिख सकते हैं आंसर में, अप्रॉक्सीमेटली वो भी हमारी काफ़ी हद तक ठीक रहती है। एवरेज का मतलब है जो लेस स्पेस का आंसर है और जो पाश्चेज का आंसर है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आप लिखना चाहें तो कभी कभार या मैक्सिमम केसेस में वो भी एक्यूरेट मानी जा सकती है। नहीं तो मैंने आपको बहुत ईजी मेथड बताया है कि आप जब दोनों लिखेंगे तो आप देखिए कि कितना कितना नंबर सेम है, उतना नंबर तो आप नीचे लाएंगे, बाकी जो 7 और 8 या कुछ बचता है तो उसमें से आप
एवरेज करके भी नीचे ला सकते हैं, तब भी आपका आंसर काफ़ी हद तक एक्यूरेट माना जाएगा बेस्ड ऑन सम प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, हम इस बात को कह सकते हैं। यह है दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पूरे 6 मार्क का, आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। अगली वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के ऊपर, जिसमें मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा। मेथड के नाम है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 6 मार्क के लिए। या तो 6 मार्क में दोस्तों ये मिलेगा आपको या फिर वो मिलेगा। अगर 10 स्कूल के पेपर को एस्टिमेट करें हम लोग, तो लगभग 6 स्कूल के एग्जाम के पेपर में आपको ये मेथड मिलता है और बाकी के 4 में आपको वो वाला मेथड मिलता है। तो ये 2 मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है 6 मार्क के लिए। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। थैंक यू दोस्तों।